हम कर लेंगे सबसे पहले एलजी साहब जैसे आ जाएंगे तो मैं दो शब्द फ्री में वो ऊपर आगे आएंगे और फिर अपना रिलीज होगा और फिर फोटोग्राफ उसके फिर वो दोबारा बैठ जाएंगे फिर मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट वो देने के लिए और उसी दौरान ठीक है सर मैं अपना ये बंद करता हूँ श्री मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर एवं उपस्थित आप सभी का इस विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य एकत्रित हुए हैं जिनमें सबसे पहले द नॉर्थ कश्मीर गैजेट के द्वारा और दूसरा कार्यक्रम है दल श्रीन ट्राइब के कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण देवियों एवं सचों और कश्मीरियत को समर्पित है उसे आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने में हमें कश्मीरियत की एक अनूठी भावना से प्रेरित है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रकाशन आशा कि आप द सीन ट्राइब कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीजन यूनिक कस्टम्स ट्रेडिशंस रहन सहन और खान पान को एक कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया आ जाओ तुम इधर आ जाओ बेटा सर ये आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के कारण ही संभव हो पाया है इससे कश्मीर राइट साइक्लोपीडिया ऑफ दर्द ट्राइब के सफल प्रकाशन के लिए मैं इंडियन आर्मी विंग पब्लिकेशन इंटरनेशनल डॉक्टर सुहेल रसूल मीर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। द नॉर्थ कश्मीर गजट के द्वितीय संस्करण का भी अनावरण अभी पब्लिकेशन के लिए कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन तथा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षा शांति और सांस्कृतिक संरक्षण किसी भी राष्ट्र के जीवन में ये तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। मुझे गर्व है कि इंडियन आर्मी इन तीनों लक्ष्यों को साकार करने में लंबे समय से यहां जुटी हुई। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे गुरेज जाकर के दर्द ट्राइब के म्यूजियम के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला था। उस समय समुदाय के कुछ प्रबुद्ध जनों से बातचीत और संवाद का भी अवसर प्राप्त हुआ था। मैं समझता हूँ दर्द ट्राइब की समृद्ध सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा जो रही है वो भारत के इतिहास में उसका एक अपना अलग मुकाम है। जब जनरल कालिया ने इस पुस्तक के लिए फॉरवर्ड लिखने के लिए मुझे कहा था
इस पुस्तक के माध्यम से दर्द ट्राइबल समुदाय के ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज, भाषा और सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने का कार्य मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से किया गया है। डॉक्टर सुहेल ने भाषा की विविधता की विवेचना करते हुए सीना और ब्रोकपा का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है और भाषाई लेगेसी के गूढ़ तथ्यों से नई पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फेस्टिवल, वेशभूषा, खान पान, सदियों से चली आ रही परंपरा के माध्यम से संस्कृति में निहित जीवन शक्ति को पाठकों और इस ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी के सामने रखने का एक अद्भुत प्रयास है। मुझे लगता है किताबों या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पढ़ने वाले पाठक की चेतना का द्वार कैसे खटखटाया जाए, जो आप लोग भी करते हैं। कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब ने भविष्य के लिए विरासत तैयार करने के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ की नई पीढ़ी के चेतना पर भी दस्तक देने का काम किया है। ट्राइबल समुदाय निश्चित रूप से हमारे देश की एक मजबूत नींव है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी ट्राइबल समुदाय का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देश के आज़ादी के संघर्ष को देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी अनेक ऐसे नायक पैदा हुए आदिवासी समुदाय में जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना केवल सर्वोच्च बलिदान नहीं किया बल्कि महत्वपूर्ण योगदान किया। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे लगता है आज़ादी के लंबे समय बाद भी इस समुदाय के लोगों के योगदान को उस दृष्टि से नहीं सराहा जा सका था। देश की मुख्य धारा से वो कैसे जुड़े, इसके अनेक प्रयत्न पिछले 8-10 वर्षों में हुए हैं। विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल समुदाय के योगदान को देश के सामने रखते हुए उनके भीतर आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर का कुछ और भी दुर्भाग्य था। देश भर में जो कानून लग गए थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या ट्राइबल समुदाय के विकास का, वो यहाँ थोड़ी देर से प्रारंभ। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ हो गया है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में ये प्रयत्न हुआ है कि इस समुदाय के विकास को कैसे गति से आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। उनके रीति रिवाज, संस्कृति, जीवन शैली, भाषा को संरक्षित करने के लिए भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कुछ काम किया है। इसको जितना हम आगे ले जाएंगे मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। अब डॉक्टर सुहेल के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि इनके शब्द जो हैं स्वर्णिम हैं और उन्होंने दर्द ट्राइब के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में जो अपना सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयास किया है। उनकी लेखनी से मैं उम्मीद करता हूँ कि देश विदेश में लोगों को दर्द कल्चर को समझने का अवसर मिलेगा और ज्ञान का भी विस्तार होगा। मैं फिर से डॉक्टर सुहेल को धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है। इंडियन आर्मी और राइटर्स एसोसिएशन का भी मैं आभारी कि पहले संस्करण के बाद दूसरा संस्करण मुझे लगता है कि और लोकप्रिय होगा और जिस उद्देश्य के साथ ये काम शुरू हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद देगा। थैंक यू।